भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर वन या नंबर टू पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, भारत को सब कुछ दिया। भगवान ने सबसे खूबसूरत जगह भगवान ने भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सारी फसलें हैं, समुद्र है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ध्वस्त हो गया था, हमसे आगे निकल गया आज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के बाद जर्मनी ध्वस्त हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में, जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल करनी है, 9511000100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 9511000100। भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है, मैं भी भाषण दे सकता हूं दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी।
लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत। अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं, सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार है, जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार है। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। अब पंजाब के अंदर मान साहब सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहां भी ठीक करेंगे। पूरे देश के अंदर अपने को मिलके करने हैं। देश में इस टाइम एक गलत ट्रेंड चल रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने लगभग 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। उसके पहले की केंद्र कांग्रेस सरकार ने 500 स्कूल, 700 स्कूल बंद कर दिए इन दोनों सरकारों ने मिलकर पिछले कई सालों में, पिछले कुछ सालों में। सरकारी स्कूल अगर हम बंद करते जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, कम आने लग गए। आपने सरकारी स्कूलों का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि गरीब आदमी भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता, वो अपना पेट काट के 2 टाइम की रोटी कम खा लेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू कर दिया। आप सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उनको शानदार बना दो, देखो बच्चे आने लग जाएंगे। अमीरों के बच्चे भी आएंगे, दिल्ली में अमीरों के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो सिस्टम पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये बड़ा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। देश में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, इनमें से 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हमने सरकारी स्कूल बंद करने चालू कर दिए, 18 करोड़ गरीब बच्चे कहां जाएंगे? क्या 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश कैसे तरक्की करेगा? इन 18 करोड़ बच्चे जो 10 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके लिए हमें शानदार शिक्षा का इंतजाम करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बातें बड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप बताइए। मैं जानता था जी आप SYL पे जरूर पूछोगे। मैं पहले 2 मिनट मान साहब को कहूंगा कि वो अपनी बातें रखें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पार्टी ने 70 साल के, 75 साल के आज़ादी के समय के दौरान ये बातें उठाई होंगी। क्योंकि उनके मुद्दे धर्म से, नफरत से, इधर उधर की बातों से भरे होते हैं। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। जब छोटे होते थे तो अकेला दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन पे एक ऐड आती थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और उसमें पूरे देश के सभी वेशभूषा वाले लोगों को सम्मिलित किया गया था। एक पंजाब से भी था जो ट्रैक्टर पे जाता था,
कोई तमिलनाडु से भी था, कोई गुजरात से भी था, कोई बंगाल से भी था, तो पूरे देश का सुर मिलेगा तो एक सुर बनेगा। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 123 करोड़ लोगों का सुर मिल गया एक बार, तो वो सुर जो होगा वो देश को नंबर वन बना देगा। सो मेक इंडिया नंबर वन। यूक्रेन 25-26 साल पहले आजाद हुआ, हमें तब पता चला जब हमें वहां से बच्चे निकालने पड़े अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को, उनकी जान बचाने के लिए उनको वहां से लाना पड़ा, कि हमारे इतनी तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो कोई नलायक बच्चे नहीं थे, वो कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको यहां एडमिशन नहीं मिल सकती। वो 99.9, 99.8, 99.7 वाले बच्चे थे। क्यों जाना पड़ा? यहां कोटा सिस्टम है जी, ये चेयरमैन का कोटा है, ये फलां का कोटा है, यहां सिफारिश चलती है, यहां पैसे चलते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं जो काम 30 लाख में यूक्रेन में होता है वो यहां 3 करोड़ में होता है। तो 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हमसे ज्यादा मेडिकली, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे ऊपर चला गया। हम क्या करते रह गए? हम तो नारे लगाते रह गए, हम एक दूसरे को कोसते रह गए, एक दूसरे की निंदा करते रह गए। तो देश तभी बढ़ेगा जब सब ऊपर होंगे, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबका सुर मिलेगा। ये पोलराइजेशन, ये नफरत की राजनीति देश को आगे नहीं लेके जा सकती। पंजाब अनाज में देश को आत्मनिर्भर करने वाला स्टेट है। पंजाब के नौजवान आज भी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर सीना ताने खड़े हैं। पंजाब माना गया है न्यू आइडियाज के लिए, नए इनकलाब्स के लिए। दिल्ली में इन्होंने जो शिक्षा की क्रांति लाई अरविंद केजरीवाल जी ने, स्वास्थ्य में क्रांति लाई, मोहल्ला क्लिनिक, हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने हुए नहीं है हमारी सरकार को बने हुए पंजाब में, 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। जून जुलाई से बिजली के बिल जो है जीरो आने लगे। सेना में जो जवान फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान करता है 1 करोड़ रुपया उसको मिलता है। विधायकों को एक बार की पेंशन ही मिलेगी, एक बार विधायक बने तो बार बार, 5 बार विधायक बने तो बार बार पेंशन नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी। अभी हम आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस ला रहे हैं, गिरदावरी रजिस्ट्री फर्द आपके लैपटॉप में, आरसी गाड़ियों की आपके लैपटॉप में, इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो, विंडो पहले भी सिंगल होती थी, इससे पहले वाली सरकारों में भी सिंगल विंडो होती थी, लेकिन हर अफसर की अपनी अपनी विंडो होती थी। इससे पहले जो भी इंडस्ट्री वाले आते थे वो पंजाब से एमओयू करने नहीं आते थे, वो एक परिवार से एमओयू करने आते थे। अब जब वो इंडस्ट्री वाले आते हैं तो पंजाब के साथ हस्ताक्षर करने आते हैं। पंजाब में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। वही नौजवान जो आईलेट्स करके या कोई और तरीके से विदेश जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो देश में रहेंगे। आपको एक हैरानीजनक बात बता देता हूं जो मुझे पिछले दिनों इन्वेस्ट पंजाब के एक सम्मेलन के दौरान पता चली। जोमैटो, आजकल उसके बिना हम खाना नहीं खाते, अगर वो देके जाएंगे तो ही खाएंगे। जोमैटो का जो चलाने वाला, जिसने जोमैटो शुरू किया, आइडिया किया, वो फरीदकोट से है। ओला का जो मालिक है वो सानेवाल से है। फ्लिपकार्ट पंजाबी का है। हमारे पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी ऐसे प्लेटफॉर्म भी दे रही है कि छोटे छोटे घरों के नौजवान लड़के लड़कियों को एमएलए की और एमपी की टिकटें भी मिल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी आज देश को नंबर वन बनाने के लिए जो भी बनता अफसर होगा,
कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी कि देश को नंबर वन बनाने में कोई दिक्कत रह जाए, क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब आगे बढ़ेंगे। ऐसे बातें करने से या कोई भाषण देने से या जुमले सुनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश इसलिए आगे बढ़ेगा कि जब आप सब लोग साथ दोगे और भारत में कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसा कि अरविंद जी ने कहा भगवान ने सब कुछ दिया है, बस सच्ची नीयत वाले लोग जो देश को चलाएं उनकी थोड़ी कमी है। अगर सच्ची नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 6 महीने नहीं हुए पंजाब में बने हुए, अभी 6 महीने नहीं हुए, सच्ची नीयत है कि हमने 8736 अध्यापकों को पक्के कर दिया जो पिछले कई सालों से अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों से लाठियां खा रहे थे, पगड़ियां उतर रही थी, वाटर कैनन चल रहे थे। सच्ची नीयत है तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभारी हूं, आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास पहुंचे हैं, और आपका कोई सवाल हो तो उसके जवाब देने के लिए हम लोग यहां पे उपस्थित हैं। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने एसवाईएल के बारे में पूछा कि एसवाईएल पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एसवाईएल पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? एसवाईएल पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं एसवाईएल बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं एसवाईएल लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर वन नहीं बनने दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। एसवाईएल बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है, और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और कोई प्रश्न? समाधान बताएंगे जी, प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं के। आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है एसवाईएल के, पहला सवाल तो ये कि आप उस मीटिंग में जाओगे? दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब के कर्मचारियों को इस महीने की अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, करीब एक हफ्ता ऊपर जा चुका है जब उनको तनख्वाह उनकी मिल जाती है। आपका पहला सवाल है, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं,
मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते जीएसटी, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। दूसरा, आज शाम तक वो जो हमारे एम्प्लाइज की कुछ तनख्वाह रहती है वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव राजनीति की है, हमने मुलाजम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजम थे पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं, 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं, आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं, हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार 23% जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, और जितना टैक्स आएगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम स्कूलों के रूप में, सस्ती बिजली के रूप में, हम सड़कों के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में लोगों पर ही खर्च करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो एक मिनट, उनसे उनका सवाल वो ले लेते हैं। जो नई पेंशन स्कीम है ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने एक तरह से पूरे देश के ऊपर नई पेंशन स्कीम थोपी थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सारे जितने उसके बाद एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए जो कि नए पेंशन स्कीम से अफेक्टेड हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इसलिए उनके हित के लिए, लोग सरकारी नौकरी में क्यों आते थे कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी, जिंदगी भर सिक्योर हो जाती है। अब वो पेंशन ही नहीं मिलती, किसी को कुछ 100 रुपये को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए, जरूर करेंगे। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहें, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, अपनी पार्टी पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। तो कुलदीप बिश्नोई जहां आए हैं वहीं रहे, उनकी हमें जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसमें युवाओं को बहुत बड़ी भूमिका अपनानी पड़ेगी। जिस दिन युवा इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन किसी भी देश के अंदर क्रांति आ जाती है। इसलिए मैंने एक नंबर जारी किया है, इस नंबर के ऊपर मैंने अभी 10-15 दिन पहले किया था, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कई लाख लोग इससे जुड़ेंगे, वो वॉलंटियर्स बनेंगे, वो अपने अपने मोहल्ले और अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेंगे। जब पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा तो ये 130 करोड़ लोगों की ताकत बनेगी। जब 130 करोड़ लोग कहेंगे कि हमारे जो स्कूल खोलो, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो स्कूल ना खोले। इनको अपनी अभी 75 साल में केवल गंदी राजनीति हुई है, काम नहीं हुए, अब काम करने पड़ेंगे। जिस दिन देश के लोग इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, लोगों को काम करने पड़ेंगे।